डिजिटल अरेस्ट। दरअसल आपको एक कॉल आता है आपके। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दो दिन बाद पद से इस्तीफा देंगे केजरीवाल, किसी और आप नेता को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को दी 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, टाटानगर पटना वंदे भारत, टाटानगर बहरामपुर, देवघर वाराणसी, हावड़ा गया, हावड़ा राउरकेला, हावड़ा दुमका भागलपुर शामिल। रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 46,000 पूर्ण आवासों का किया गृह प्रवेश। पीएम ने 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधी की ट्रांसफर। पीएम ने कहा, गांव, गरीब, आदिवासी, महिला, किसान सरकार की प्राथमिकता में शामिल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत ढहने से एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत, 5 घायल। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा और झारखंड में तेज बारिश और बाढ़ के खतरे की संभावना। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। अगले 2 दिन तक छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान। देश के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की आज 65वीं वर्षगांठ। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क्स में से एक। दूरदर्शन आज प्रस्तुत करेगा विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम। और डायमंड लीग फाइनल में चैंपियन और आई आपको सीधे ले चलते हैं जमशेदपुर, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त भारत माता के नरेंद्र मोदी भारत माता के नरेंद्र मोदी भारत माता के मोदी। भारत माता के नरेंद्र मोदी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई, हम सभी के चहेते आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच हैं। मैं आदरणीय बाबूलाल मरंडी जी से निवेदन करूंगी कि मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें कोल्हान की धरती पर। आज पूरा कोल्हान ऊर्जावित हो गया है, आज लौ नगरी का कोना कोना चप्पा चप्पा आज ऊर्जावित हो गया है आदरणीय मोदी जी के आने से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो घड़ी वो क्षण आ गया है, मैं परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए, हम सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। जोहार, आप सभी को राम राम।
झारखंड के आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आमने सामने आकर बातचीत होगी। जब सुबह मैं रांची पहुंचा तो मौसम ज्यादा खराब हो गया, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने तय किया कि सड़क के रास्ते ही जमशेदपुर जाऊंगा। रास्ते भर बारिश भी अपने आशीर्वाद बरसा रही थी और भीगते हुए लोगों को पहले पता नहीं था कि मैं जाने वाला हूं, लेकिन जैसे जैसे रास्ते में लोगों को पता चलने लगा, भारी बारिश के बीच भी हाथ में झंडा लेकर के लोग पूरे रास्ते में खड़े थे, स्थान स्थान पर खड़े थे। ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, बारिश कितनी ही तेज क्यों न हो, रुकावटें कितनी ही ज्यादा क्यों न हो, लेकिन कोई भी रुकावट मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती है। मैं आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकता हूं, और इसलिए बाय रोड भी मैं आपके दर्शन करने के लिए पहुंच गया। साथियों, क्रांति और बलिदानों की यह धरती भगवान बिरसा मुंडा के तप, त्याग और आशीर्वाद की धरती, वो धरती जिसने पोटोहो जैसे कोल्हान के महान योद्धा दिए, जिसने जमशेद जी जैसे उद्यमी के जरिए आजाद भारत के सपनों को सींचा था। मैं झारखंड की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज कर्मा पूजा की उमंग के बीच यहां आने से पहले मुझे झारखंड को विकास की कई बड़ी सौगात देने का सौभाग्य भी मिला है। मैं कर्मा पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, उत्सव के इस माहौल में आज झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली है। झारखंड के अलग अलग शहरों में लोगों को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ हाई स्पीड सफर का अनुभव मिलेगा। इसका बड़ा फायदा मध्यम वर्ग को होगा, उद्यमियों को होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार और प्रगति के भी अवसर बनेंगे। साथियों, आज झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के जरिए पक्के घर भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर है।
कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। आज आपका ये भाई अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है। साथियों, कुछ ही महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप सबका आशीर्वाद मांगने झारखंड आया था। आप उस तपती गर्मी में भी मुझे अपना स्नेह देने आए थे। दुनिया ने देखा, एक तरफ सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन, पूरी जमात बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़ी बड़ी साजिशें, झूठ फैलाने की इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा अफवाह का तंत्र, देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें। लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। मैं आपके इस प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा सौभाग्य है आज देश के दलित, वंचित, गरीब, आदिवासी और महिलाओं का आशीर्वाद मुझ पर है, देश को मोदी पर भरोसा है। आज युवाओं का भरोसा मोदी पर है, मध्यम वर्ग का भरोसा मोदी पर है, और इस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आप इतने उत्साह में हैं, इतनी आवाज आ रही है, शायद सबको सुनाई नहीं देता होगा। मेरी प्रार्थना है आपका उत्साह बनाए रखिए, लेकिन अगर थोड़ी शांति रखेंगे तो मेरी बात सब दूर पहुंच पाएगी। तो मैं चालू करूं, बात बताऊं? साथियों, झारखंड और भाजपा का रिश्ता सिर्फ एक राजनीति का रिश्ता नहीं है, सिर्फ चुनावों का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता अपनेपन का है। झारखंड का सपना भाजपा का अपना सपना है। मैं आप सब से पूछता हूं, क्या आप जवाब देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे? जरा मुझे बताना, अलग झारखंड राज्य का सपना किसकी सरकार में सपना पूरा हुआ? भाजपा सरकार में। किसकी सरकार में? आकांक्षी जिला योजना के जरिए झारखंड के पिछड़े जिलों के विकास की चिंता पहली बार किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। आप भी जानते हैं कैसे देश में
दशकों तक आदिवासी युवाओं को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा गया। ऐसे में किसने आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की चिंता की? किसने 400 से ज्यादा एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए? बीजेपी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, आदिवासी समाज से एक महिला को देश की राष्ट्रपति किसने बनाया? तो जवाब एक ही है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। साथियों, पहले की सरकारें खनिज संसाधनों से संपन्न झारखंड और दूसरे इलाकों से केवल वसूली करती थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ बनाकर आपको आपका हक दिलाया। आज भी भाजपा केंद्र में रहकर झारखंड के विकास के लिए पूरे समर्पण भाव से, सेवा भाव से काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप राज्य सरकार में भाजपा को मौका दीजिए, झारखंड के विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। साथियों, झारखंड के तीन सबसे बड़े दुश्मन है। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये तीन दुश्मन है जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के, हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। दो तीन दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी
और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। आप ये नीचे रखिए, पीछे लोगों को दिखता नहीं है, नीचे रखिए, आप सब कुछ नीचे रखिए, वो फ्रेम वगैरह सब नीचे रखिए। आप आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भाई, मैंने देख लिया, आपकी मेहनत की मैं इज्जत करता हूं। आप भी नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। प्लीज, आपने इतना बढ़िया चित्र बनाया, आपका प्यार मुझे मंजूर है, इसको नीचे रखिए, पीछे वालों को परेशानी हो रही है। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर है भाई बहन, मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है, यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं, बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते।
जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा, झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहां का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना, कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे? टीवी में महीनों तक वो नोटों के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थे,
ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था, ये आपका पैसा है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश के खजाने को लूटने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वाले, उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आपको साथ चाहिए भाइयों। आज यहां राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड के खान खनिज बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा, इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहां के लोग बता रहे थे, अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि जमीन बिकाऊ नहीं है, और ये हालत जमशेदपुर जैसे शहरों तक में है। साथियों, जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है, और इसे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं, सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटारा निकाल दिया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला? मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की, शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे वो योजना ही 2 महीने में बंद हो गई। हालात ये हैं कि बढ़ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान उस मां के लाडले, उस बहन के भाई, इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी है। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं, और मैं वादा करता हूं झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी। और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया था।
लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है, हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठे वायदे कर सकती है। भाई और बहनों, गरीबों को झांसा देने के लिए इन्होंने पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था, उसे भी 2 महीने में बंद कर दिया गया। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को भरमाने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से बाहर निकालना है। साथियों, वादे करना और उन्हें पूरा करना ये केवल बीजेपी ही करती है। एक और हमारी सरकार है, हमने चुनाव में गरीबों को 3 करोड़ और पक्के मकान देने का वादा किया था। पिछले महीने ही सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। हमने 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। कुछ ही दिन पहले सरकार ने उस फैसले पर भी मोहर लगा दी है। हम हर घर तक जल पहुंचा रहे हैं। हम लगातार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा, ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांगने कांग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां ऐसे झूठ की दुकान, ऐसे ही झूठ की दुकान खोली जा रही है। साथियों, जेएमएम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेएमएम को भी ये ट्रेनिंग कांग्रेस से ही मिली है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300-300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए 5-5 हजार देने पड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या? ये जवाब देने का मौका आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता झारखंड के विकास के लिए वोट करेगी।
आप सब एक बार फिर भाजपा पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। आप सब इतनी बड़ी तादाद में इतने उत्साह से भरे हुए आप लोगों को देख करके मुझे भविष्य साफ नजर आ रहा है। आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हम सबको आशीर्वाद दिया, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट भी चालू कर दीजिए, सबके मोबाइल की फोन की फ्लैश लाइट चले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी 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 नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, भारत माता के, भारत माता के, मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एक दोबारा एक बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। सुदूर क्षेत्रों से आए हुए सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए इतनी बारिश में भी आप सभी आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो कि जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें और बड़ी बातें उन्होंने यहां पर कही हैं, और साफ तौर पर जैसा कि देखा गया है, ये बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे जीवन की बड़ी पूंजी है। तो ऐसे में ये संबोधन काफ़ी महत्वपूर्ण झारखंड के लिहाज से, और जो तमाम परियोजनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है उसके लिहाज से झारखंड की महान धरती को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि झारखंड का चहुमुखी विकास भाजपा की प्राथमिकता के साथ मोदी की गारंटी भी है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो इस संबोधन से निकलकर सामने आई हैं। देश के दलित वंचित महिलाओं युवाओं और मध्यम वर्ग का भरोसा मोदी पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अलग झारखंड का सपना भाजपा सरकार ने पूरा किया है। भाजपा के कार्यकाल में ये सपना अलग झारखंड का पूरा हुआ था। आकांक्षी जिला योजना से झारखंड के पिछड़े जिलों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से निकली हैं। कांग्रेस पार्टी ने दलित पिछड़े और आदिवासी समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। तो साफ तौर पर यहाँ पर तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। राज्य में घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कहा। इसके अलावा जेएमएम में भी कांग्रेस का भूत घुस गया है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पर उन्होंने भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो लगातार लगाए, और इसके अलावा जेएमएम पर भी निशाना साधा। तुष्टीकरण ही जेएमएम का एकमात्र एजेंडा बन चुका है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो तमाम बड़ी बातें जो इस पूरे संबोधन से निकलकर सामने आई हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वाले किसी के सगे नहीं, जेएमएम इसका सबूत है। तो ये भी प्रधानमंत्री ने एक बड़ा तंज यहाँ पर कसते हुए ये बात कही। देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी कांग्रेस ही है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। इसके अलावा जेएमएम भी कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन से ट्रेनिंग ले रहा है, और जेएमएम के ऊपर भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान गिनाए भी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे जीवन की बड़ी पूंजी है। तो तमाम ये बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने आज यहाँ पर रखी, और साफ तौर पर 660 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की यहाँ पर सौगात भी झारखंड वासियों को आज दी गई है। और झारखंड का 6 वंदे भारत ट्रेन का जो सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया था, उसको सिद्धि तक पहुँचाने का भी काम प्रधानमंत्री ने किया है। इसके अलावा जो तमाम विभिन्न रेल परियोजनाओं की भी यहाँ पर सौगात दी गई है, और ये तमाम बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने उस मंच से कही और जनसभा को संबोधित किया। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो तमाम बड़ी बातें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आइए अब आपको बीजेपी लिए चलते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही है, और सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। भारत की राजनीति में नहीं है, वे इस देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो अपनी ही सरकार के अधीन जेल में जलवाए जलाल के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए रहे। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर है। और इतना ही नहीं रही है, उनके साथ उनके दो मंत्री भी वहां पर रहे, यानी दो वजीर और एक वजीर आजम अपनी ही जेल में। उसके बाद उन्होंने पद छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि नैतिकता की नई राजनीति स्थापित करने वालों ने आकर नैतिकता की नई निम्नता की सीमा निर्धारित की। और यहां पर मैं बहुत साफ करना चाहता हूं कि जिस भ्रम और झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाता है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो गैर भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं सिर्फ हेमंत सोरेन ही और मुख्यमंत्री जेल में नहीं रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले केजरीवाल जी तो कहते ना बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई में कुछ याद में भुलाई हो गई क्या? 2008 में मधु कौड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे, 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे, 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे, 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी, और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी, मैंने इतना बता दिया कि ये जेल में जाने का खेल, ये सब गैर भाजपा थे और हमारी सरकारें नहीं थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। और फिर इतना ही नहीं, जेल से बाहर आकर जिस ढंग की आतिशबाजी हुई, अपनी ही सरकार के जेल से बाहर आकर अपनी ही सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ने वाले भी वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध का निर्णय लिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जेल से निकलकर दिल्ली सरकार के नियम को ध्वस्त करे, ये एक नई राजनीति थी। और उसके बाद उनकी नई राजनीति कहीं कहीं पर बहुत विडंबनापूर्ण और दुखद भी लगती है। शराब घोटाले में जब इन पे आरोप लगा था तो दिल्ली में दारू का दरिया बहाने वाले लोग महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर शपथ लेने का ढोंग कर रहे थे, जबकि महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे होता है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भारत की राजनीति में कि शराब घोटाले के आरोपी गांधी की समाधि पर, और आज भगत सिंह जी से तुलना कर रहे हैं। आपको याद हो पहले भी जब इन लोगों ने भगत सिंह जी की फोटो लगाई थी तो भगत सिंह जी के परिवार की तरफ से भी आपत्ति आई थी, और मुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों की और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया उनकी आत्मा जहां भी होगी स्वर्ग में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा हो। ये वही देश है जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई,
जिसके लिए रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी गले लगाई, इसलिए कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार आज उनके नाम का उपयोग करे, इसके द्वारा एक सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया है। यह आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य है और पीड़ादायक भी है। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रहकर तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और यह 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हो उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया, यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकार रोकती है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। दूसरी बात, एक और संदेह पैदा होता है कि आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात किए नहीं, बाहर क्यों आके किए? और आप कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा आप संभालना मुश्किल होगा? ये त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? दिल्ली की जनता के मन में प्रश्न है कि त्याग पत्र की आवश्यकता किस विवशता के साथ है, क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं तो अपनी चरित्र के अनुरूप वो अनर्गल बात कह रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में, यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई, जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए, यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी का आचरण, व्यवहार और वाणी तीनों इस कदर भ्रम और संदेह के घेरे में हैं कि मैं उनसे कहना चाहूंगा कि याद रखिए, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। धन्यवाद। मित्रों, माननीय वीरेंद्र सरदेवा जी से आग्रह होगा कि आपको संबोधित करें। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कई सवाल भी उठाए हैं कि किस तरह से जो लगातार यहाँ पर स्थितियाँ बनती हुई नजर आई हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने 48 घंटे का समय आखिर क्यों मांगा, इसके पीछे क्या राज है, इसी पर उन्होंने यहाँ पर तमाम सवाल उठाए हैं। और वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो भी सुनाते हैं। और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है,
आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पर पहुंचा दिया था, सिफर करके भेजा था आपको। तो दिल्ली की जनता तो अपना फैसला सुना चुकी। आज आप बात कर रहे ईमानदारी की, तो मैं गिनाता हूं अरविंद केजरीवाल की कैसे आपके भ्रष्टाचार ने दिल्ली को दीमक से खोखला कर दिया, भ्रष्टाचार के दीमक से। दिल्ली के 40 से 45 बच्चे लोग अपनी जान गंवा देते हैं आपके भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार ने नालों की सफाई नहीं की, वो जल भराव में अपनी जान गंवा देते हैं और आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं। आप भ्रष्टाचार हैं इसलिए उन्होंने जान गंवाई, उनकी मौत का कारण आपका भ्रष्टाचार है। आप बिजली की बात करते हैं, 45% सरचार्ज के साथ लगकर बिजली का बिल आ रहा है, 18.5 से 25 रुपए यूनिट तक कमर्शियल चार्जेस लिए जा रहे हैं। हर ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल देता है उसकी कमर तोड़ी जा रही है। हर झुग्गी झोपड़ी वाले का 3 से 7 हजार 8 हजार का बिल आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं, बिजली कंपनियों से कमीशन खाते हैं। फ्री पानी की बात करते हैं आप, दिल्ली में एक एक बूंद के लिए हमने दिल्ली वालों को तरसते हुए देखा है, लोगों का कत्ल होते हुए देखा है पानी की एक बोतल के लिए। क्यों? क्योंकि टैंकर माफिया की गोद में बैठे अरविंद केजरीवाल, जब आप सत्ता में आए थे तो 1200 टैंकर दिल्ली में थे, आज 3000 से ज्यादा चलते हैं। जिस टैंकर माफिया को आपने खत्म करने का वादा किया था, आपके भ्रष्टाचार ने उन टैंकर माफिया को पालने का काम किया है। आप ईमानदारी की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, आज भी दिल्ली के आधे से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू सेंटर काम नहीं कर रहे हैं, यह आपकी रिपोर्ट है। आप फ्री इलाज की बात करते हैं, 3-3 साल के बाद की डेट मिलती है। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, एक ही फोन नंबर पर 18,000 बार टेस्ट किए जाते हैं, फर्जी पैसे खाए जाते हैं, कमीशन खाई जाती है, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। आप ईमानदारी की बात करते हैं, आपके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बेची जाती हैं, नकली दवाइयां पकड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। आप शिक्षा की क्रांति की बात करते हैं, अरे आपके मंत्री ने तो शराब से शिक्षा का पूरा का पूरा व्यापार, पूरा का पूरा सफर चला दिया। 16 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं आप, दिल्ली में 9th क्लास के 1 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं क्योंकि आपको बोर्ड में अपना रिजल्ट सुधारना है। 11वीं के 54,000 से बच्चे फेल कर दिए जाते हैं क्योंकि आपको 12वीं का अपना बोर्ड का रिजल्ट ठीक करना है। आप ईमानदारी की बात करते हैं। अभी एक स्कूल का दौरा किया था हमने, एक ही क्लास में, एक ही कमरे में 2 क्लासेस चल रही हैं, दोनों बच्चों के मुंह अलग हैं, एक ही टीचर पढ़ाने वाली है। यह है आपका शिक्षा का मॉडल। जासूसी कांड भूल गए अरविंद केजरीवाल कि कैसे विपक्षी नेताओं पर, अधिकारियों पर, मीडिया हाउसेस पर आपने जासूसों की टीम लगाई थी? यह आपका ईमानदारी है। दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ के लोन पर है आज, कितने अधिकारी जेल जा चुके हैं। एसटीपी प्लांट जो बंद करने थे उसके नाम पे अपने पैसे खाए। यमुना की हालत देखिए, ये आपकी ईमानदारी है। आप ईमानदारी की बात करते हैं, जिन ऑटो वालों के दम पर आप सरकार बनाने का काम करते थे उस ऑटो के परमिट में आपने घोटाला किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो पैनिक बटन लगाने पे आपने घोटाला किया, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। दिल्ली सरकार का कोई विभाग अरविंद केजरीवाल आपने नहीं छोड़ा जिसमें आपने भ्रष्टाचार ना किया हो। और बात करें इस्तीफे की,
8 लाख के पर्दे और 2 करोड़ के बिस्तर पर सोने वाले अरविंद केजरीवाल, उस शीश महल को लोग कैसे भूलेंगे जो जनता की गाड़ी कमाई से तुमने बनाया था, हजारों पेड़ रातों रात कटवा दिए थे। दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि 4-4 लाख का कमोड कैसे होता है। मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं है, लेकिन वो शीश महल दिखाने की हिम्मत है? जरा खोल के दरवाजे दिखाइए लोगों को, बुलाइए मीडिया हाउसेस को कि मैं कौन से घर में रहता हूं। है गैरत आप में? है हिम्मत आप में? आप जेल गए थे, माननीय न्यायालय ने आपको भेजा क्योंकि आपने घोटाला किया था, आपने चोरी की थी। दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए, 2 दिन से सोशल मीडिया में चल रहा है मुंडका से नांगलोई तक का सफर जो आधे घंटे का है, 3 घंटे में पूरा होता है। सड़क नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, और ये दिल्ली के हर हालत में, हर कोने की यही हालत है। आप दिल्ली के अकेले मुख्यमंत्री हैं, अकेले देश भर में ऐसे, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है कि अपने घर में बुलाकर महिला सांसद के साथ बदतमीजी करना, उसके साथ मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना, ऐसे मुख्यमंत्री हैं आप। आप जनता के बीच जाएंगे, अगर इतनी से भी गैरत होती ना तो आपको अब तक डूब के मर जाना चाहिए था। महिला को पिटवाते अपने घर में बुला के, ईमानदारी की बात करते हैं। ये 2 दिन जो मांगे हैं, 2 दिन सिर्फ माल बटोरने के लिए हैं। ठीक कहा सुधांशु भाई ने, काहे का इस्तीफा जी, बर्खास्त कीजिए सरकार को, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, कराइए नवंबर में चुनाव, देगी दिल्ली की जनता जवाब। भगत सिंह की किताब पढ़कर सुना रहे हैं हमको, जरा अपने हाथ से लिखी जरा स्वराज पढ़कर सुना देते, जिसमें आपने खुद शराब को अभिशाप कहा था कि हम मोहल्ले वालों से पूछ के दुकानें खोले थे, दिल्ली में गली गली मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बाद आपने दुकानें खोली, मोहल्ले से पूछ के खोली थी। जेल में रहने की तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से, घर से आपको भोजन आता था, आलू पूरी सब्जी पूरा चाट मीडिया में आया, नवरात्रों में आप अंडे खाते थे, 2 दिन आपको कूलर। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पहले सुधांशु त्रिवेदी ने इसको संबोधित किया और उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा यहां पर लगातार अरविंद केजरीवाल पर तमाम बड़े और गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, नमस्कार।